तस्वीर सामने आते ही लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद AIB ने इस पोस्ट को हटा लिया था, जिसके बाद पुलिस की साइबर शाखा ने AIB के हेत तन्मय के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लेकिन हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही थी। भारत के शायद ही किसी प्रधानमंत्री के इतने हमशक सामने आए होंगे जितने मोदी जी के आए हैं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा ये शख्स एक तरफ बैग टांगे हुए अपने मोबाइल में देख रहा है। उसे कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मोदी नहीं है। ये तस्वीर और चर्चा में तब आ गई जब कॉमेडी यूट्यूब चैनल ऐप ने इस पर SN अपचट का डॉग फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया था। ये चीज बिल्कुल गलत है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ये एक दंडनीय अपराध है। इसके बाद AIB के सह संस्थापक नमे भट्ट के खिलाफ भी हो गई। इस व्यक्ति का असली नाम रामचंद्रन है और ये केरल के कन्नूर का रहने वाला है। रामचंद्रन ने बताया कि वो अब बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रहते हैं और कन्नूर अपनी माँ से मिलने गए थे, जब उनकी वो तस्वीर वायरल हुई थी। वो पियानर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जब उनकी वो फोटो किसी ने खींच ली। रामचंद्रन को किसी ने व्हाट्सएप पर वो तस्वीर भेजी थी, पर तब उन्हें नहीं पता था वो इतनी वायरल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके साथ ये हो चुका है। लोग उन्हें रोककर सेल्फी लेते हैं, मेट्रो या बस में लोग खुद खड़े हो जाते हैं, और तो और सबसे अच्छा तो इन्हें तब लगता है जब बच्चे इन्हें मोदी अंकल कहकर बुलाते हैं। रामचंद्रन कहते हैं कि अब जब ये तस्वीर प्रधानमंत्री की नजरों में भी आ गई है, वो नहीं जानते कि उनके जीवन पर इसका क्या असर होगा।